तो यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि O3 इज ऑब्जर्व बाय, यानी O3 को कौन ऑब्जर्व करता है, O3 के द्वारा कौन ऑब्जर्व हो रहा है। तो सिंपली इसके द्वारा जो है ओजोन इज ऑब्जर्व इन, यानी ओजोन को ही हम O3 कहते हैं। तो ओजोन ऑब्जर्व क्या करता है, टर्पेंटीन वाइल ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग। अब चूंकि इस कंसेप्ट में हमें क्वेश्चन देखना है, तो चलो हम इस कंसेप्ट में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि O3 इज ऑब्जर्व है, तो क्या किया। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन हो सकता है, जैसा कि पैरोगिलोल हो गया, मैंथॉल हो गया, टॉपेंटीन वाइल हो गया, कैलिब वाइल। तो क्या जाएगा आंसर, टॉपेंटीन वाइल चला जाएगा आंसर। इसमें हम और डिटेल क्या कर सकते हैं, डिटेल में हम यही कर सकते हैं कि O3 रिएक्ट्स विथ टॉपेंटीन वाइल या फिर वाइल ऑफ सैनिन मोन, ये भी ध्यान रखो। तो O3 चूंकि क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, तो टॉपेंटीन वाइल से या फिर वाइल ऑफ सैनिमिनोन। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर नीट में टपकता है या किसी भी बोर्ड से किसी भी एग्जाम में टपकता है, तो उम्मीद है ज़रूर करोगे।